तो गाइज फाइनली सपना की वीडियो आ गई है उनके चैनल पे। आई थिंक आज 2 या 3 दिन में उनकी वीडियो आई है, जब से मतलब वाला इंसिडेंट हुआ है अंशु वाला। अंशु ने, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, अंशु ने 2 ब्लॉग डाले थे, लास्ट ब्लॉग डाले थे, मतलब सबसे पहले सपना ने ब्लॉग डाला था जिसमें उन्होंने द रॉ चैनल अंशु को देने की बात बोली थी, ठीक है। और उनका सपने का ये लास्ट ब्लॉग था। फिर उसके बाद अंशु का ब्लॉग आता है जिसमें उसने 2 वीडियो डाली थी, मतलब एक दिन में 2 वीडियो डाली थी। पहली वीडियो उसने सुबह में डाली थी जिसमें उसने बोला था कि द रॉ चैनल मुझे नहीं चाहिए। तो जो अंशु ने सुबह वाली वीडियो डाली थी, पहली वीडियो डाली थी जिसमें उसने द रॉ चैनल देने को, मतलब लेने को मना किया था, उस पर काफी हेट कमेंट्स थे सपना ली के अगेंस्ट। तो जितने भी वो हेट कमेंट्स थे वो अंशु की तरफ से उनको लाइक किया गया था, जितने भी हेट कमेंट्स थे, ठीक। तो जब सपना दी ने देखा कि जितने भी हेट कमेंट्स हैं, काफी मतलब बुरे बुरे कमेंट्स थे, तो उन्होंने देखा अंशु की तरफ से उनको लाइक किया गया है, तो सपना ने स्क्रीनशॉट लिया और अंशु के पास भेज दिया और बोल, मतलब तू भी मुझसे नफरत करने लगी है और मैंने मतलब तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि तू मेरे अगेंस्ट जाएगी। तो ये सारी बातें हुई थी, तब जो भी बातें हुई होंगी उन दोनों के बीच, तो सपना का तो वो लास्ट वीडियो था। एंड अंशु का कहना है कि जो भी ये कमेंट हैं, जो लाइक हुए हैं, जो नेगेटिव कमेंट लाइक हुए हैं, वो उसने नहीं किए हैं। जब अंशु ने सारी चीज देखी तो अंशु शाम को एक वीडियो शूट करती है, उसमें वो बताती है कि मैं खुद ही, जो मेरा सुबह में जो वीडियो आई थी, मैं खुद जो नेगेटिव कमेंट है उनको मैं मना कर रही हूँ कि आप नेगेटिव कमेंट मत करो, तो मैं ये नेगेटिव कमेंट को लाइक कैसे करूंगी, तो वो चीज की सफाई दे रही है। एंड वो ये भी कह रही है कि जो उसकी, उसका जो चैनल है वो 3 डिवाइस में लॉग्ड इन हुआ है, मतलब उसका कहने का मतलब है मेरा चैनल है वो हैक हो गया है। एंड इसमें कितनी सच्चाई है वो तो ना आपको पता ना हमें पता, वो तो अंशु जानती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है अंशु का जो चैनल है उसका पासवर्ड अंशु के पास है या सपना के पास है, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान मतलब कहते हैं ना कितना भी उसका फायदा हो, बट वो अपने जो उसके बारे में जो गंदी गंदी बातें लिखी हैं या गालियां लिखी हैं तो उसको वो लाइक तो नहीं करेगा, उसको वो लाइक तो नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अंशु ने जो अपने कमेंट्स थे, जो 2 वीडियो थी उसके, उस पर जो कमेंट्स थे, उनके जो कमेंट थे वो टर्न ऑफ कर लिए। उसके बाद फिर अंशु ने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल के बताया लोगों को कि मैं अपना जो कमेंट बॉक्स है वो उसको टर्न ऑफ कर रही हूँ क्योंकि उसमें काफी नेगेटिव कमेंट है। जैसे कि आपको पता है जो सारी जो भसड़ मची, जो भी चीजें हुई, उसकी वजह से उसने कमेंट ऑफ कर लिया अपने, ठीक। एंड अंशु ने जो कम्युनिटी डाली थी उसमें भी लोगों ने काफी नेगेटिव कमेंट किए थे सपना के लिए, काफी लोग कह रहे थे कि आप सपना का साथ छोड़ दो, आप अपनी भाभी से दूरी बना लो, वो आपके लिए ठीक रही है और इन सब चीजों में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, वो आपका आपको बदनाम कर रही है। और कुछ लोगों का कहना था कि सपना ने खुद ये जो भी ये नेगेटिव कमेंट हैं वो खुद से लाइक किए हैं, वो आपको बुरा दिखाना चाहती है, मतलब लोगों का कहना है जो सपना दी के लिए जो नेगेटिव कमेंट थे उन्होंने खुद वो कमेंट्स लाइक किए हैं अंशु को बुरा दिखाने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है अगर उसको बुरा दिखाना होता तो आई थिंक 1.5 महीना हो गया शायद सपने को ससुराल से आए हुए ना, तो उस बीच वो कभी भी दिखा सकती थी, वो बहुत सारे रीजन थे। और ना ही सपना दी अंशु से मिलने जाती इतनी दूर, ग्वालियर से उसका गांव काफी दूर पड़ता है, आई थिंक 200-250 किलोमीटर पड़ता है, वो उससे मिलने भी गई थी। और उसका जो भी सामान था, जो उसका गोल्ड था, जो कि सपना दी ने अंशु के लिए बनवाया था, वो सारा कुछ देख के आई। अगर ऐसा कुछ होता तो वो गोल्ड क्यों देती? आज की डेट में आपको पता है जो सोने का रेट है वो क्या है, तो कोई भी इतना पागल नहीं है कि अगर उनको ये सारी चीजें करनी थी तो वो अपना जो है पैसा या गोल्ड वो वहां दे के आएंगी। ये बात से मतलब अंशु ने जो कम्युनिटी पोस्ट की थी उसके बाद से ना अंशु का कोई वीडियो आया ना सपने का कोई वीडियो आया था। उसके बाद आज सपने जी ने मतलब अमावस वाले दिन, मतलब जिस दिन श्राद्ध का लास्ट डे था, उस दिन उन्होंने वीडियो डाली है जो कि सूरज भैया का श्राद्ध वो लोग पहली बार कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने उसमें अंशु के बारे में भी बताया, जो अंशु का जो चैनल था उसके बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि काफी लोगों के मन में ये चीजें चल रही थी और काफी लोग सपना एंड जो ऑडियंस थी, एंड जो सपने की जो ऑडियंस थी, जो उनको प्यार करते थे, वो भी सपने को ब्लेम कर रहे थे कि अंशु आप पे इतना ट्रस्ट करती है, वो रो रो के बोल रही है कि जो लाइक हुए हैं वो उसने नहीं किए हैं, उसको नहीं पता वो कैसे हुए हैं लाइक, तो आपने ट्रस्ट क्यों नहीं किया उस पर, और अंशु आप पे इतना ट्रस्ट करती है। और कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि आप बस नाम के लिए बेटी बोलती हो बट आप बेटी मानती नहीं हो, अगर आपकी बेटियों से कोई गलती होगी तो क्या आप अपनी बेटियों से ऐसे ही रिश्ता तोड़ लोगे, ये सारी चीजें लोगों ने बोली। तो सपना जी ने बताया अंशु का फोन आता है सपना जी के पास, ठीक है, और मतलब उससे ज्यादा बात नहीं हुई थी, थोड़ी ही बात हुई थी बीच में, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं आरू आरोही वो कुछ रो रहे थे तो वो उनको मतलब देखने चली जाती हैं सपना दी। इस बीच क्या होता है अंशु का जो कॉल है वो कट हो जाता है। एंड अंशु ने जो लास्ट वीडियो डाली थी ना जिसमें उसने बताया कि भाभी हैं वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि मैंने नहीं किया है, इससे ही जो लोग हैं वो सपना के ऊपर
भड़क रहे हैं। एंड अंजू ने जो लास्ट वीडियो डाला था ना, जिसमें वो बोल रही है भाभी है मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, वो मेरा विश्वास नहीं कर रही है कि ये जो लाइक है वो मैंने नहीं किए हैं, मेरी तरफ से नहीं किए गए हैं, तो इसमें लोग हैं वो काफी भड़क गए थे। उन लोगों का ये कहना था कि सपना जो उसकी भाभी है वो उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही है, और अंशु है वो हमेशा सपना के ऊपर ट्रस्ट करती है, जो वो बोलती है वो करती है। तो सपना ही को इस वीडियो के बारे में नहीं पता था पहले। सपना ही का कहना है कि पहले अंशु एक बार मेरे से सलाह ले लेती, मेरे से पूछ मतलब बात कर लेती इस बारे में, उसके बाद जो भी था हम दोनों डिसाइड करते, बट अंशु ने फॉरन वीडियो बना के डाल दी। तो उससे हुआ ये, सपने की ऑडियंस है या अंशु की ऑडियंस है, उनको यही लग रहा है सपना दी यहाँ गलत है, मतलब उनको ये लग रहा है कि अंशु सपना अपनी भाभी को इतना प्यार करती है, बट भाभी है वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, उस पर विश्वास नहीं कर रही है। एंड साथ में सपना दी ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जो ये चीज़ें हुई थी, कमेंट जो लाइक हुए थे उसके बारे में उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया, और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बिगड़ी हुई हैं। तो जैसा कि अंशु ने बताया था कि उसका चैनल है वो हैक हुआ था, बट इस बारे में सपना जी ने कुछ भी नहीं कहा। अगर इन दोनों में बात हुई होती या चीज़ें क्लियर होती तो वो ज़रूर बताती कि अंशु का चैनल हैक हो गया था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, वो ज़रूर क्लियर करती। तो उन्होंने जो है बैकआउट कर लिया है इन सारे रिश्तों से, सारी चीज़ों से उन्होंने बोल दिया कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं अपनी बच्चियों पे ध्यान दूंगी, मैं अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दूंगी, क्योंकि इसके चक्कर में क्या है मैं अपना जो अपनी जो चीज़ें हैं उन पे भी काम नहीं कर पा रही हूँ। एंड साथ में सपना जी ने अंशु को ना समझ भी बोला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें वीडियो में थी वो सच थी, मतलब जो हेट कमेंट्स लाइक किए गए थे और ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उनमें वो सच्चाई थी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनके रिश्ते में खटास आ गई है, दरार आ गई है। तो जैसा कि अंशु ने बताया उसकी जो चैनल है वो 3 डिवाइस में लॉग्ड इन हुआ है, वो बता भी रही थी, वो ग्रुप स्क्रीनशॉट लेके सब भाभी को भेज सकती थी, तो उससे बड़ा सबूत कोई था नहीं, और वो शायद बिलीव कर लेती, तो शायद वो चीज़ें नहीं हुई हैं, उनको कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है। तो भी सारी चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सही हैं। सपना दी ने कोई भी क्लीन चिट नहीं दी है अंशु को, क्योंकि उन्होंने एक बार भी नहीं बोला अपनी वीडियो में कि अंशु का चैनल हैक हो गया था और जो भी जो वीडियो लाइक हुई थी वो उसने नहीं की थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने यही बोला कि मैं मतलब सारी चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ और अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ, अपने बच्चों पे फोकस करना चाहती हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है रिश्ता ख़राब हो गया है, एंड जो हेटर्स चाहते थे, जो कुछ रिलेटिव चाहते थे, वो चीज़ें हो गई हैं। एंड ये नहीं पता ये किसने किया है, और अगर अंशु मना करिए तो हो सकता है कि उसने ना किया हो, उसके फैमिली में किसी ने किया हो, जो कि अंशु की फैमिली के काफ़ी लोग हैं जो सपने को पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए, इन दोनों के बीच में दरार आ जाए, तो उन्होंने ये सारा कुछ किया हो। बट मुझे ऐसा लगता है अंशु को अगर वो स्क्रीनशॉट दे देती सारी चीज़ों का तो शायद वो यकीन कर लेती, बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा या जो भी, या अंशु सारी चीज़ें बता देती जो भी है उसका फ़ोन जिसने भी यूज़ किया हो। कभी कभी होता है कि हमारा कोई फ़ोन ले लेता है तो हमारे फ़ोन से ऐसी चीज़ें कर देता है, तो वो सारी चीज़ें बता देती, क्लियर कर देती, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती। बट अभी फिलहाल तो सपने ने बोला है कि मैं कोई भी अब मतलब मैं सब सारी चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ और अपने काम पे फोकस करूँगी। जल्दी वो अपनी शॉप खोलने वाली हैं, मतलब अपना बिजनेस करने वाली हैं, जो कि साड़ी सूट का होगा, और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और साथ में वो शादी भी कर रही हैं। तो फिलहाल उन्होंने ये अपडेट दी है, बाकी अंशु की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आई है। एंड हाँ, साथ में सपना दी ने अंशु को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम से। काफ़ी लोग ये कमेंट करके बोल रहे हैं ना कि सपना ने अंशु के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, तो गाइज कोई कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो कि ट्रस्ट करने लायक नहीं होगा। हम लोग केवल वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें उनको पता है, पूरा जो मैटर है वो क्या है वो उनको पता है, हमें नहीं पता, ठीक है। हमें जितना दिखाया जाता है हम उस बेस पे अपना ओपिनियन रख सकते हैं, बाकी अंदर की क्या चीज़ें हैं वो उनको पता होंगी, दोनों को, सपना दी को और अंशु को। सपना दी ने ये भी बोला है जिसको मुझे हेट देना है वो दे सकता है, और अब मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे जो ब्लॉग आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, और मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। बाकी अभी अंशु का कोई भी वीडियो नहीं आया है, देखते हैं, वेट करते हैं कि उसका वीडियो कब आता है और वो क्या बोलती है। फिलहाल तो यही अपडेट दी है सपना दी ने,
कि अंशु ने जो वीडियो डाली थी वो मेरे से बिना पूछे डाली थी, उनको उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता था और उनका कहना है कि वो एक बार मेरे से डिस्कस कर लेती उसके बाद कुछ करती, और ये सारी चीज़ें उसने खुद से कर दी। और उसने अपनी वीडियो में बोला उसकी भाभी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, तो उससे क्या है जो लोग हैं वो सपनई को ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें अंशु के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। बट कुछ तो ऐसा होगा जो कि उनको ट्रस्ट नहीं होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कुछ तो हुआ होगा जिससे कि जो सपना दी है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं अंशु के ऊपर। अंशु ने चलो मान लेते हैं अंशु ने नहीं किया होगा, उनकी फैमिली है तो वहाँ से चीज़ें हुई होंगी, कहीं ना कहीं से तो चीज़ें हुई हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है सपना दी को अंशु का मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली के बिना वो ना ही तो उनसे मिल सकती है, ना उनसे बात कर सकती है फ़ोन पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर लें वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।